गोलगप्पा यार, इट्स सो टेस्टी, इट्स सो। फ्लैक्स सीड बोलते हैं, और मैं इसी से अपने हेयर को वॉश करती हूँ, इसलिए मुझे ये परचेज करने का। कितनी ओवर एक्टिंग करती हूँ यार, मैं कितनी ओवर एक्टिंग करती हूँ यार, उफ। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। सो आज मैं किचन में व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, सो डोंट वरी, मैं कुछ बनाने वाली नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बस मैं थोड़ा सा दाल बना रही हूँ, लाइक जो नॉर्मल होते हैं दाल एंड चावल। और अभी मैं बनाऊँगी अपने लिए पास्ता, अभी नहीं बनाऊँगी, पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप लोग भी देखोगे ना, आप लोग को बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग मेरे लविंग वन हो, केयरिंग वन हो और सपोर्टिव हो, तो बहुत खुशी होगी। तो हाँ, आज मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, फाइनली आई परचेज माई कैमरा, फाइनली कैमरा आ गया गाइस, एंड इतना मस्त कैमरा है यार। तो मैंने कैमरा में कौन सा लिया है, कैनन M50 है, ये कैनन M50 है। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया था कि किस कैमरा को लेना है, किस कैमरा को लेना है, फाइनली आई सर्च्ड कैनन M50 इज़ द बेस्टेस्ट कैमरा फॉर यूट्यूब वीडियोज़ एंड यूट्यूब ब्लॉगिंग्स, बहुत ज़्यादा बेस्ट है यार, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो मैंने वही लिया, मुझे 49,990 रुपीज़ में पड़ा, लाइक अप्रोक्स 50,000 में सिर्फ 10 रुपये कम था, 50,000 का पूरा कैमरा पड़ा है, और 2 साल की सेविंग को मैंने सेव कर करके तब इस कैमरा को परचेज़ किया है। तो मेरे पूरे 2 ईयर्स की सेविंग मैंने इस कैमरा में लगा दिया, और इतना अच्छा है यार, इतना अच्छा, लाइक M50 ऐसा DSLR है, ऐसा कैमरा है जिसमें फ़िल्टर्स इतने सारे दे रखे हैं, फ़ीचर्स इतने सारे दे रखे हैं, इतना सही वाला कैमरा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले जो कामयाब है उसे कर लेते हैं। गाइस, मैं अब आप लोगों के दर्शन कराती हूँ अपने कैमरा से, मुझे, मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ज़्यादा हैंडी कैमरा है ये, और कैमरा हमारा ये रहा यार, ये इतना अच्छा कैमरा है एकदम, मतलब मैंने जब इसे देखा था ना, तभी मेरे दिल में आ गया था यार, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आह मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। कितनी ओवर एक्टिंग करती हूँ यार, मैं कितनी ओवर एक्टिंग करती हूँ यार, उफ। बट गाइज, अगर आप लोग सोच रहे हो ना यूट्यूब के लिए कोई कौन सा कैमरा ले सकते हैं हम लोग, तो आप लोग इसके लिए ज़रूर से जा सकते हो, कैनन M50। तो मैं इसके फीचर्स तो अभी मैं आप लोग साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी गाइस, क्योंकि फ़ीचर्स मुझे खुद भी नहीं पता, बट हाँ मैं इसका लुक दिखाती हूँ कि लुक वाइज ये क्या है और कैसे है। ये हमारा कैमरा रहा, तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे है पूरा का पूरा। तो ये हमारा इस तरीके से, अब आप लोग सोचोगे कि स्क्रीन इसका कैसा है, तो हाँ इसका स्क्रीन जो है वो रोटेट होने वाला स्क्रीन है, तो इस तरीके से ये रोटेट होगा, खुल गया। अब आप लोग इसको इस तरीके से रोटेट करके अपने सामने में रख सकते हो, और अब फिर आप लोग इसको ऐसे करोगे। ये मैंने इसका लगा दिया था यार, क्योंकि अभी न्यू है और न्यू चीज़ मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा छूट जाता है। इसका लेंस हम लोग हटा देते हैं, इसको यहाँ से ऑन करते हैं, ये रहा, साइड में इसके दे रखा है कि आप लोग इसके लेंस को मूव करके, रोटेट करके आप लोग कर सकते हो कि कैसे फ़िक्स करना है। सो या, तो इतना हमारा फिक्स हो गया। एंड गाइज, बहुत ज़्यादा सही वाला कैमरा है, आप लोग इस फ्लैश को ऐसे इस तरीके से उठा सकते हो, पिक्चर्स क्लिक करने हैं तो लाइक अभी भी ये सेट नहीं हुआ है, तो पहले आपको लेंस अच्छे से सेट करना होता है, एंड दैट्स इट। ओके, लाइक आप लोग देख सकते हो यार, जैसे फ्लैश का है, एंड दैट्स इट। यू कैन सी, और मैं अभी भी, तो मैं फ़ोन से ही हमेशा वीडियोस बनाती थी, मैंने कभी भी कैमरा का यूज़ नहीं किया। M50 जो कैमरा है ना, कैनन M50, ये बहुत बहुत ज़्यादा सही कैमरा है। इसकी जो लेंस है ना, ये 45mm की लेंस है, 15-45mm की ये लेंस है, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये लेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये कैमरा मेन थिंग की बहुत ज़्यादा हैंडी है। और DSLR जितने भी आते हैं वो बहुत ज़्यादा हेवी कैमरा आते हैं, बट हाँ इसने कुछ अलग बनाया है और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले मेरे पास था निकॉन 3400D था, जो कि 45,000 का मुझे पड़ा था, बट वो फ़ोटोशूट के लिए था स्पेशली, उस टाइम मेरे को उतना आइडिया नहीं था कि कौन सा कैमरा यूज़ होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या यूज़ होगा, क्या यूज़ नहीं होगा, ये सब का मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, तो इसलिए उस टाइम मुझे जो मिला था मैं वो ले ली थी।
लेकिन वो कैमरा मेरा ज़्यादा दिन तक चला नहीं, मेरे को वो कैमरा OLX पे बेचना पड़ा। हाँ सो आप लोग देख सकते हो, दैट्स इट, हमारा कैमरा अब सोने के लिए रेडी है। गाइस कैसा लगा आप लोग को ये कैनन M50, और कैसा लगा आप लोग को ये जानकर कि फाइनली मैंने कैमरा ले लिया। अब आप लोगों को क्वालिटी बहुत अच्छी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप लोगों को रिसीव होंगे मेरे वीडियोस के। अब मैं बाहर भी व्लॉगिंग करने जाऊंगी ना, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है, क्योंकि कैमरा अगर कोई हाथ में देखता है ना तो एक अलग सा ही अटेंशन हो जाता है कि हाँ लगता है कि हाँ बंदा या बंदी कुछ है। ऐसे फ़ोन से तो बहुत सारे लोग बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करते, बट नहीं, कैमरा का बात अलग ही होता है। तो अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने बहुत मेहनत किया गाइस, तब जा करके आज ये कैमरा मेरे हाथ में है, मेरे पास मेरा अपना पर्सनल कैमरा है। सो हैप्पी। तो मैं बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से मुझे व्लॉग बनाने इसलिए तो नहीं आते, क्योंकि मैं बातें बातें और बातें ही सिर्फ करते रह जाती हूँ। तो अब मेरे को पास्ता खाने का मन हो रहा है यार, 2 दिन से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा था। ओ मैं पंखा बंद करके बना रही हूँ वीडियो, वाह मैं पंखा बंद करके ब्लॉग बना रही हूँ, पता नहीं क्यों पसीने पसीने हो रखी हूँ मैं। क्योंकि अभी जस्ट मैं किचन से आ रही हूँ ना, इसलिए फ़ैन ऑन नहीं है। तो अब पहले मैं पास्ता मंगाऊँगी फिर बनाऊँगी, क्योंकि घर में पास्ता नहीं है। तो मेरी मम्मी बेड के नीचे पैसे छुपा के रखती है, छुपा के नहीं, अगर कुछ चेंज वेंज आ जाता है तो वो बेड के नीचे रख देती है। तो मैं पहले बेड के नीचे चेक करती हूँ कि पैसे है कि नहीं, बेड की नहीं, बेडशीट के नीचे। गाइस पास्ता रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाई हूँ मैं, क्योंकि मुझे एकदम स्पाइसी खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना। आ जाओ आप लोग भी खा लो यार। अतीक, अतीक का मेरे से दोस्ती नहीं है, अतीक मेरे गोदी में आते तो रोने लगता है, बहुत रोने लगता है, मेरा मुंह देख देख कर रोने लगता है। इधर देखो अतीक को, आओ चूटी कट्टा, बदमाश हो गया। और टिट्टू, और टिट्टू, और टिट्टू, इधर देखो, खोलो, खेलो खेलो तो अतीक को, खेलो तो पकड़ पकड़ के। छीछे बाबू, पुटर 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 पुटर। अतिक खा लो गुतर गुतर। आह आह, अतिक को बस वही चाहिए है ना, अतिक को वही चाहिए ना। बुला दो बुला दो, बोलो आइए आइए। अतिक का 2 ठो दांत दिखाओ अतिक। ओहो इसका 2 दांत हो गया है, बस इसको उसी से तोड़ना है सब कुछ। सज शवर के आया है आज आतिक को, सज शवर के आया है। आतिक इधर देखो, उसको देखोगे ले आए, देखो बजाओ उठ के बजाओ उसको। डरता है, डर लग रहा आतिक, और डर लग रहा है। आ जा आ जा आ जा आ जा जा टिको, आ जा 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 जा। बजा दो तो अतिक, बजा दो उसको, बजा दो। आहा बजाओ बजाओ जल्दी जल्दी, नहीं अरे गिर 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 दब से गिर गया अतिक, इसको बजा दे, इसको भी बजा दे।
एक बार रो के दिखा दी, रो 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 आटू को लो दो लो दो और जोर से और जोर से और जोर से आती रो ये तो छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है। आटी तो आटी तो आटी तो बस आज ऐसे बोलता आटी अच्छा 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 वो बत्ती जल नहीं रहा है, रुको जलाते हैं, रुको जलाते हैं। जल गया जा 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 अजा 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 बुलाओ तो ठीक बुलाओ बुलाओ इससे बुलाओ यहाँ से बुलाओ अजा जा 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 अजा 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 जो जो अजा अजा बुलाओ बुलाओ बुला दो नहीं आ रहा है शीश नहीं आ रहा है बोल अजा जा 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 अजा बुलाओ बुलाओ बुला दो उसको भी बुला दो अजा जा 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 गाइस आज मैं बाहर आई हुई हूँ क्योंकि कल से बिहार पटना में लॉकडाउन लग रहा है, तो कुछ नेसेसरी सामान थे जो कि लेना था तो मैं वही आई हूँ। और अभी मैं हवा हवाई से ट्रैवल कर रही हूँ। पटना में कोरोना डिजीज़ जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए लॉकडाउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम लोग घर जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि ब्लॉग्स में वैसे मेरे को समझ में नहीं आता, बट हाँ जितना मैं शेयर करती हूँ आई होप आप लोग उतना पसंद आता हो। तो आप आज हम लोग गोलगप्पा खाएंगे और वो भी काफ़ी सिक्योरिटी वाला गोलगप्पा है, ऐसा नहीं बाहर ठेले पर वाला नहीं खाऊंगी मैं। और आज बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, रोड का हालत बहुत ज़्यादा खिचखिच खिचखिच है। और तो हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं गोलगप्पा खाने, बहुत टेस्टी बनाते हैं गाइस वहाँ का गोलगप्पा, और सोच के मुँह में पानी आ रहा है, तो चलिए देखते हैं। गाइस गोलगप्पा बन रहा है, उधर बन रहा है, इधर मेरे मुंह से पानी आ रहा है बहुत तेज वाला एकदम। हाँ 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 गाइस ये हमारा गोलगप्पा यार, इट्स सो टेस्टी, इट्स सो टेस्टी।
गाइस बाद में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ का चाट भी ट्राई करेंगे क्योंकि कल से लगने वाला है लॉकडाउन, तो आज तक खा सको खा लो। वेल गाइस अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने जो जो ज़रूरत के सामान थे वो सब खरीद चुकी हूँ क्योंकि कल से बिहार में लॉकडाउन लग रहा है। और आज मैंने परचेज किया है विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम क्योंकि आउच ऐसे होता है। हाँ तो आज मैंने परचेज़ किया है विको टर्मरिक क्रीम क्योंकि लैक्मे का मेरा क्रीम जो डे क्रीम मैं यूज़ करती थी वो ख़त्म हो गया है। लास्ट टाइम भी लॉकडाउन होने से पहले ही ख़त्म हुआ था, इस बार भी लॉकडाउन से एक दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। और आज बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि लोकल में आपको मिलेगा बट लैक्मे का प्योर ओरिजिनल नहीं मिलेगा, ओरिजिनल नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट मिलेगा। जब तक आप लैक्मे के शोरूम से नहीं लोगे तब तक आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, या फिर मॉल्स वगैरह से नहीं लोगे तब तक आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सोची कि चलो वीको ट्राई करते हैं। वीको आयुर्वेदिक क्रीम होता है और बहुत केमिकल वाला क्रीम हो गया। लैक्मे भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, फेयर एंड लवली तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, बट हाँ फेयर एंड लवली के अकॉर्डिंग लैक्मे सही है क्योंकि फेयर एंड लवली में बहुत सारे कास्टिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, बट लैक्मे में उतना नहीं होता है। लैक्मे में भी होता है बट उतना नहीं होता है, लैक्मे भी ऑर्गेनिक नहीं है। मैं सोची कि चलो थोड़ा सा वीको ट्राई किया जाए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक ट्राई किया जाए। और हाँ, और मैंने हाफ के जी ये परचेज किया है फ्लैक्स सीड जिसे बोलते हैं, अलसी का दाना। तो आ जाओ मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। सो गाइज ये है हमारा अलसी का दाना, अलसी का बीज जिसको कि फ्लैक्स सीड बोलते हैं, और मैं इसी से अपने हेयर को वॉश करती हूँ इसलिए मुझे ये परचेज़ करने का मस्त था। तो ये हाफ के जी के पैकेजिंग में था और ये मुझे 60 रुपीज़ में मिल गया है। आप लोग को भी ये लोकल स्टोर में मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैं ली हूँ ये एक मेडिमिक्स सोप जो कि इस तरीके से मेडिमिक्स का सोप ली हूँ क्योंकि बरसात के टाइम में हमें जनरली दाना वगैरह हो जाता है, तो इसीलिए मेडिमिक्स का सोप। ये बहुत बहुत अच्छा होता है यार, एकदम मतलब ऑर्गेनिक होता है। देखो 50 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग स्किन, ये मेरे ख्याल से 15 साल हो चुका है मेडिमिक्स को। पहले मेडिमिक्स बहुत ज़्यादा मिलता था लेकिन अब इसका अमाउंट कम हो गया है पता नहीं क्यों। और फिर मैंने ये डिश वॉशर्स खरीदे हैं इतने सारे, और भी कुछ कुछ खरीदी थी। हाँ ये आपको दिखाती हूँ, हॉर्लिक्स बिस्किट। पहले इसका 5 रुपीज़ का पैक आता था बट मुझे ये बड़ा वाला पैक मिल गया तो मैं ये ले ली। और हाँ क्योंकि ये मैं बचपन में खाया करती थी, मुझे ये अच्छा लगता था। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता हो। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ बताया करें और कमेंट ज़रूर से कर दीजिए कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग के कमेंट्स को रीड करके मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और जब आप लोग के कमेंट्स को रीड करती हूँ तब मेरा मन होता है कि मैं आप लोग के लिए और भी ज़्यादा ब्लॉग्स बनाऊँ, और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग्स पसंद आया करें तो मेरे को बता दिया करिए कॉमेंट करके। सो नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।